घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं ज्योति संगम क्लब, जो कि मारवाड़ी कॉलेज के पास में ही है। और हम लोग चलिए अंदर चलते हैं। ये मेन गेट इसका। ज्योति संगम कश्मीर की वादियां। अच्छा हम बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा बना है कश्मीर का वादियां। यहाँ पे पूरा नेचर बेस्ड, पूरा जंगल में पहुंचे हुए हैं, पूरा नेचर बेस्ड बनाया हुआ सब, पूरा का जंगल हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अभी। यहाँ पे सब पूरा का जंगल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, पूरा का जंगल। वाओ, सो ग्रीनिश यार, करके दिखाया करो। अच्छा हाँ, सब पूरा का जंगल का दिखाने का कोशिश किया गया यहाँ पे। और ये मेन पंडाल जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ। तो डल झील पहले घुमाता हूँ, चलो। डल झील के वादियों में आप घूम लिए ना? हाँ, डल झील घूम लिया हम लोग। और उसके बाद हाँ, कौन सा? लाल चौक। अच्छा, इसको ऐसे देखो, देन आफ्टर ये देखो पहाड़ियों के बीच में सूर्य मंदिर अनंतनाग। चलो फिर अंदर चलते हो, अंदर 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 जाएंगे गुफा में। चलो गुफा में, हाँ डल झील दिखा दिया। ओके फिर अब चलो गुफा में चलते हैं। तो ये दुर्गा माता की प्रतिमा और ये पहाड़ों का ही सीन दिखाया गया। देखो अंदर में कितना भीड़ हुआ, देखो पैर रखने का भी जगह नहीं है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और देखो पीछे पूरा पहाड़ वाला ही दिखाया पूरा सीन अंदर में, है ना। लाइट थोड़ा सा कम हो रहा है क्या? अब भीड़ तो देखो, भीड़ यहाँ पर काफ़ी भीड़ है यार। पहाड़ का ही सीन दिखाया पूरा। भाई ज्योति संगम का हम लोग देख लिए, मारवाड़ी कॉलेज वाला जो पंडाल बना बहुत अच्छा बना है। और हम लोग कश्मीर का लगभग सैर कर ही लिया है। अंदर में कैसा लगा तुम लोगों को? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त है ना। चलो आगे नेक्स्ट पंडाल में चलते हैं, यहाँ तो बहुत मजा आया। नेक्स्ट में चलते हैं, वहाँ देखते कैसा लग रहा।